अच्छा कैमरे में है या सब जनरल अच्छी है, में? कैमरे में तो कैमरे में है, कैमरे। ठीक है। रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूमन फैब्रिक्स एंड निट फैब्रिक्स बेस्ड ऑन 100% कॉटन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक कॉटन ग्रोइंग कंट्री है। पाकिस्तान में कपास की या कॉटन की जो है बहुत बड़ी फसल होती है और पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में आता है कॉटन के, और इसी से रिलेटेड फिर एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की जो है वो टेक्सटाइल की वो तकरीबन 60-70% जो है वो उसका चंक जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, विच इज़ मेनली 100% कॉटन। तो कॉटन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना प्लांट से, जहाँ जब जब पौधा उगता है कपास का और उससे फिर जो है वो कपास मिलती है, किसान जो है वो उस पौधे से जो है वो कपास लेता है और फिर वो जिनिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है उस कपास की पुट्टी को, और वो जिनिंग फैक्ट्री में जाके उसकी उस पुट्टी की सफाई होती है और उससे जो है वो रुई की एक शक्ल जो है वो मिलती है, और रुई की उस शक्ल को फिर गांठ में जो है वो तब्दील किया जाता है। तो आपने शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स में देखा होगा पाकिस्तान की एनुअल जो है वो प्रोडक्शन तकरीबन 12-15 मिलियन गांठों तक जो है वो पहुँची हुई होती है और उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग हो रही होती है। तो जब ये कपास जो है वो जेनिंग के प्रोसेस से निकल जाता है और यान के लिए इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, धागा बनने की स्टेज पे जब ये जा रहा होता है तो इसकी बाइफिकेशन होती है और यान हमेशा जो है वो साइजेस में आता है। आपने देखा होगा धागा कोई मोटा होता है कोई बारीक होता है, तो जितना धागे का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा उतना धागा जो है वो फाइन होगा, बारीक धागा आपको मिलेगा। नंबर अगर आप 6 सिंगल लेंगे तो वो एक मोटा रुई के जो बल्कि जिसे आप ऊन कह लें कि ऊन से जो स्वेटर बने जाते हैं वो आपको साइज मिलेगा 6 सिंगल 7 सिंगल। और आप कहेंगे कि जी 40 सिंगल 50 सिंगल और 100 सिंगल्स, अगर 100 सिंगल पे चले जाएंगे तो वो आपको वॉयल फैब्रिक या लॉन वो 100 सिंगल की बनी हुई जो है वो लॉन आपको मिलेगी। तो मेनली जो हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में कॉटन की वो कोर्सर यान की है, तो इसलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ टावल की और डेनिम की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और साथ साथ टेक्सटाइल मेडअप्स जो शीटिंग के जो फैब्रिक्स हैं वो भी जो है वो उसके लिए भी अच्छा यान अवेलेबल है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आप देखते हैं जो टेक्सटाइल मेडअप्स बनाती है वो भी ग्रो कर रही है, जिसमें मेनली 10 सिंगल्स से लेके फिर 30-40 सिंगल्स का यान यूज़ होता है। तो जब ये यान की शक्ल पर जाता है तो फिर इसमें दो बाइफिकेशन हो जाती हैं कि एक जो है वो निटिंग के लिए चला जाता है यान और एक जो है वो वोवन फैब्रिक के लिए। बेसिकली जो ये दो जो किस्में हैं वोवन और निट्स की, ये इनका इनका जो है वो कंस्ट्रक्शन मेथड है। वोवन का जो मेथड है वो आप देखते हैं कि जो यान लूम के ऊपर जाता है साइजिंग के बाद और वीविंग इसकी जो होती है ताना बाना बुना जाता है, ऊपर नीचे उसकी सीक्वेंस होती है, एक वार्प धागा एक वर्टिकली चलता है एक हॉरिजॉन्टली चलता है, ये वूवन फैब्रिक कहलाता है। और निटिंग वाला जो मेथड है जो निट फैब्रिक है वो आप देखते होंगे कि लूप की शक्ल में आपको सर्कुलर निटिंग मशीन पे किसी फैब्रिक को आप देखें, तो वूवन फैब्रिक वो फैब्रिक है जिसके आप शलवार कमीज पहनते हैं, जिसके घर में पर्दे लटकाए जाते हैं या टेबल क्लोदिंग होती है, और निट फैब्रिक वो फैब्रिक है जिसका आप देखते हैं कि टी शर्ट बनता है या आप सॉक्स पहनते हैं स्वेट जैकेट पहनते हैं, जो जो निटेड फैब्रिक होता है और ये सर्कुलर निट्स पे बनता है, सर्कुलर निटिंग मशीन पे बनता है। तो इनमें ये दो बेसिक फ़र्क होते हैं। तो यान प्लांट ग्रो हुआ कॉटन जिनर के पास गया जिनिंग से यान आपको धागे की शक्ल में बना, धागा फिर जो है वो आइदर निटिंग और वूवन पे चला गया,
और फिर वोवन लूम से जो है वो वोवन फैब्रिक और निटिंग मशीन से जो है वो निटेड फैब्रिक आपके हाथ में, कोरा एक फैब्रिक जो है वो आप जिसको कोरा फैब्रिक कहते हैं यानी कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ था और वो फिर आपको कोरा फैब्रिक मिल जाता है। जब कोरा फैब्रिक आपको मिल जाता है तो उसके बाद उसका प्रोसेस होता है कि जी वो फैब्रिक किस पर्पस के लिए यूज़ होना है, उसी हिसाब से उसके ऊपर प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसको जो है वो डिसाइज किया जाता है, जो साइजिंग उसके ऊपर यार्न के ऊपर की गई थी उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कि वो वीविंग में टूटे ना, वो डिसाइजिंग होती है वोवन फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद फिर वो ब्लीचिंग के लिए जाता है, उसको वॉश किया जाता है, कपड़ा जो है वो ऑफ वाइट या वाइट जिस शक्ल में भी उसको रेडी करना होता है वो हो जाता है। उसके बाद फिर वो डाइंग फैक्ट्री पे, अगर उसके ऊपर कोई कलर डाई करना हो तो वो डाइंग फैक्ट्री पे चला जाता है, या प्रिंटिंग पे अगर उसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट पे, या डाई और ओवर प्रिंट दोनों होने हो तो फिर वो हो जाता है। और फिर उस कपड़े के ऊपर जितनी प्रोसीजर्स जो जो प्रोसेसिंग में होते हैं उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये क्योंकि ओरिएंटेशन है इस वीडियो में सिर्फ, जब ये प्रोसेस आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनके अगर एक डाइंग के लिए कपड़ा अगर फैक्ट्री में जाता है तो सबसे पहले डिसाइजिंग के बाद ब्लीचिंग, और ब्लीचिंग के बाद फिर उसका जो है वो सोकिंग, और फिर उसको जो है वो कपड़ा, उसमें मेथड्स हैं कि कौन सा डाई स्टफ उसके अंदर यूज़ होना है, रिएक्टिव डाइज हैं, पिगमेंट डाइज हैं, जो उनकी फास्टनेस और जो उनके रिजल्ट्स, जो कलर के रिजल्ट्स के ऊपर और कपड़े की जो है वो लाइफ के ऊपर, किसी कपड़े की क्या लाइफ है तो उसके ऊपर क्या डाइज यूज़ होने, उस हिसाब से वो डाइंग यूज होती है। फिर उसके बाद फास्टनेस का प्रोसीजर होता है, फिर कपड़े की जो है वो विड्थ सेट होती है, उसके बाद कपड़ा निकलता है, और फिर वो किसी मेडअप के लिए, अगर वो गारमेंट के लिए यूज़ होना है तो गारमेंट, अगर वो किसी टेक्सटाइल बेड शीटिंग की किसी फैक्ट्री में जाता है पिलो कवर और ये सब बनने के लिए, तो उसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है, और फिर जाके वो जो कॉटन आपने एक पौधा लगाया था वो यहाँ आके अभी सिर्फ फैब्रिक आपका कंप्लीट हुआ और वो किसी ऐसी फैक्ट्री पे चला गया जिसकी कोई प्रोडक्ट बनेगी। जाहिर सी बात है आप कोई कपड़ा जो है बट सिर्फ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है तो वो उसकी वैल्यू एडिशन होती है, जिसमें मेनली फिर आपकी लेबर इन्वॉल्व हो जाती है। अभी तक तो सारी ज़्यादातर मशीन इन्वॉल्व थी, अब आपकी जब वो गारमेंट फैक्ट्री में गया तो फिर आपको उसको काटना है, उसके बैचेस बनाने हैं, उसको फिर स्टिचिंग टेबल पे ले जाना है, फिर पैकिंग पे ले जाना है, फिर उसकी चेकिंग करनी है, और फिर जो भी रिजेक्शन है और फिर सारे उसकी फिर शिपमेंट जिस हिसाब से उस गारमेंट को तैयार किया गया, अगर लोकल मार्केट के लिए तो लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट के लिए तो एक्सपोर्ट। यही प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो होता है निट्स में भी। और निटिंग का जो मेनली जो मैंने आपको बताया कि टी शर्ट्स आप देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में और वेस्ट में जिस तरह हम शलवार कमीज पहनते हैं वो टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं, तो ये निटेड फैब्रिक जो है वो ज़्यादातर निट टी शर्ट्स में और स्वेट जैकेट में, सॉक्स में यहाँ इस्तेमाल होता है। और वो फैब्रिक इसी तरह प्रोसेस होने के बाद गारमेंट फैक्ट्री में आता है और गारमेंट फैक्ट्री में फिर स्टिच होकर इस तरह एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक जो है वो एक लाइफ साइकिल है, एक ऑर्गेनिक समझ लें, एक आपकी जो कॉटन है उसका एक लाइफ साइकिल है कि जी वो ग्रो हुआ और फिर उसने जो है वो गारमेंट की शक्ल ले ली। और बहुत सारे लोग इसकी वैल्यू एडिशन पर भी काम करते हैं कि जी सिर्फ एक, अगर आप एक पॉन्ड कॉटन, क्योंकि निट्स में जो है वो बाय वेट इसका मेजर है और वोवन फैब्रिक जो है वो बाय यार्ड और बाय मीटर उसको नापा जाता है, तो वो जो एक एक पॉन्ड या एक यार्ड मीटर का एक मीटर फैब्रिक जो है वो जो कॉटन जो ग्रो किया था एक एक पॉन्ड ले आप वजन से, तो आखिर में आन के अगर उसकी एक एक पॉन्ड की कीमत जो है वो आपकी 500 रुपये थी, तो वो जब उसने एक शक्ल इख्तियार कर ली गारमेंट की तो उसके ऊपर समझ लें आप कि पाकिस्तान से ही आपको $10 की भी जीन्स मिलेगी और $25 की भी जीन्स एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये वैल्यू एडिशन उसके ऊपर होता है। और बहुत सारे डिज़ाइनर, जब अगर वो डिज़ाइनर हो जाए और उसके ऊपर लेबल लग जाए तो वही कॉटन का जो एक पाउंड है वो जाके आपके $100 तक, बल्कि 100 pound तक आप यूरोप के और USA के चेन स्टोर देखें और उनके ऊपर प्राइस टैग देखें, मेड इन पाकिस्तान लिखा होगा और प्राइस उसको उसके ऊपर जो है $150 तक भी लगेगी आपको नजर आएंगे। तो ये एक लाइफ साइकिल है इसका कॉटन का, और ये छोटी सी ओरिएंटेशन वीडियो है। थैंक यू। मुस्कुराहट कंटिन्यूस।